बहुत समय पहले जब राम राजा हुआ करते थे, उन्होंने मेलुहा नाम का राज्य बसाया। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तक फैला हुआ था। राम के बाद बहुत सी पीढ़ियां आती गईं और मौजूदा समय में दाक्ष नाम के वशंज अब मेलुहा के राजा थे। दाक्ष एक सूर्यवंशी राजा थे और उनकी साटी नाम की एक बेटी भी थी। इस समय मेलुहा राज्य पर संकट आ गया था। उनकी सरस्वती नाम की नदी धीरे धीरे सूख रही थी। अभी वे लोग इस संकट से उबरने का प्रयास कर ही रहे थे कि उन्हें खबर मिलती है कि चंद्रवंशी राजा ने उन पर हमला कर दिया है। चंद्रवंशी साम्राज्य उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। चंद्रवंशी राजा ने अब नागा नाम के ट्राइब के लोगों को अपने साथ मिला लिया था, जो बहुत ही खतरनाक होते थे और उन्हें तरह तरह की शारीरिक व्याधियां भी हो रखी थी। उनसे निपटने के लिए राजा दाक्ष अपने दूत को संदेश देकर तिब्बत भेजते हैं। दूत वहां गुना ट्राइब के मुखिया से मिलता है, जिनका नाम शिवा था। दूत राजा का संदेश शिवा को देता है। राजा दाक्ष ने शिवा से आग्रह किया था कि वह अपने लोगों के साथ सूर्यवंशियों की मदद के लिए मेलुहा आए। शिवा इसके लिए तैयार हो जाते हैं। वे अपने दोस्तों वीरभद्रा, कृतिका, नांडी व अन्य लोगों के साथ मेलुहा के लिए चल पीड़ते हैं। सबसे पहले वे श्रीनगर शहर में पहुंचते हैं। वहां उन्हें अयुर्वाटी नाम की महिला मिलती है, जो मेलुहा के लोगों की प्रमुख चिकित्सक थी। वह उन सबका स्वागत करती है। शिवा और उसके साथ ही मेलुहा की भव्यता देखकर दंग रह जाते हैं। जब रात को सब लोग सो जाते हैं तो अचानक सबको तेज बुखार जकड़ लेता है। अयुर्वाती उन सब उपचार करती है, लेकिन वह देखती है कि शिवा को कोई बुखार नहीं हुआ था, लेकिन उनका गला नीला पड़ेचा गया था। यह देखकर अयुर्वाती को लगता है कि शायद शिवा ही नीलकंठ हैं। वह शिवा को बताती है कि बहुत पहले एक भविष्यवाणी हुई थी, जिसके अनुसार एक दिन नीलकंठ मेलुहा आएंगे और यहाँ के लोगों की रक्षा करेंगे। जब मेलुहा के लोग शिव के नीले गले को देखते हैं तो खुशी से उन्हें नीलकंठ घोषित कर देते हैं। फिर वे उन्हें मेलुहा की राजधानी देवगिरी ले जाते हैं। सब लोग वहां राजा दक्ष से मिलते हैं और उनके किले में रहने लगते हैं। एक दिन शिवा पास की पहाड़ी पर घूमने जाते हैं। वहां मंदिर में उन्हें एक बेहद सुंदर लडडकी दिखती है। वे पहली ही नजर में उसके प्यार में पड़ जाते हैं। वे नांडी से उस लडडकी के बारे में पता करने के लिए कहते हैं। नांडी पता करके बताते हैं कि वह राजा दाक्ष की बेटी साती है, लेकिन वह एक विकर्मा लडिडेहा की है, यानी उसके पुराने जन्म के पापों के कारण उसे अछूत माना जाता था, इसलिए उसकी शादी भी नहीं हो सकती थी। शिवा साथी से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें अपने पास आने से मना कर देते हैं। शिवा मन ही मन फैसला कर लेते हैं कि उससे शादी करके ही रहेंगे। इसके बाद दक्ष शिवा को चंद्रवंशियों द्वारा किए जा रहे छल कपट वाले युद्ध के बारे में बताते हैं। वे शिवा को अपने इन्वेंटर बृहस्पति से भी मिलवाते हैं। एक दिन बृहस्पति उन सबको माउंट मैंडर मंदार पर्वत पर ले जाता है और वहां दिखाता है कि किस तरह से सोमरस बनाया जाता है। सोमरस की वजह से ही मेलुहा के लोग कई सालों तक स्वस्थ और जीवित रहते थे। एक दिन दाक्ष शिवा से कहते हैं कि मेलुहा के बाकी के राज्य में घूमे और लोगों से मिले, ताकि वे अपने रक्षक नीलकंठ को देख पाए। इससे उनका मनोबल बहुत बाँच जाएगा। इसके बाद शिवा बाकी लोगों साती, वीरभद्रा, कृतिका, नांडी, बृहस्पति और पर्वतेश्वर के साथ मेलुहा के शहरों की यात्रा के लिए निकल पीड़ते हैं। जहां जहां से शिवा जाते हैं, लोग उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं, उनका भव्य स्वागत करते हैं और नाच गाने का आयोजन करते हैं। लेकिन एक दिन एक आदमी शिवा की निंदा करता है कि वह अछूत विकर्मा साती के साथ कैसे घूम रहा है। लेकिन शिवा कहते हैं कि साती पवित्र है, लेकिन इसके लिए साती की अग्नि परीक्षा ली जाती है। साती अग्नि परीक्षा में सफल होती है। बाद में उस आदमी को मारने की बजाय वह उसे माफ कर देती है। एक दिन वे एक गांव में पहुंचते हैं। अचानक से नागा सैनिक उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में एक अग्निबाण शिवा की तरफ आता है, लेकिन उन्हें बचाने के लिए साती बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से वह घायल हो जाती है। उसे जल्दी से देवनागरी ले जाया जाता है। शिवा अयुर्वाती से आग्रह करते हैं कि साती को सोमरस देकर बचा ले। धीरे धीरे साती ठीक हो जाती है। एक दिन शिवा दाक्ष से आग्रह करते हैं कि साती की शादी उनसे कर दें और साती को विकर्म की सजा से मुक्त कर दें। दाक्ष इसके लिए मान जाते हैं और उन दोनों की शादी कर दी जाती है। उनके साथ साथ वीरभद्र और कृतिका की भी शादी कर दी जाती है। एक सुबह मेलुहा के लोगों को बहुत बड़ा धमाका सुनाई देता है।
किसी ने माउंट मैंडर के कारखानों को उड्डा दिया था। सब लोग वहां पहुंचते हैं। शिवा को वहां नागा सैनिकों के पहचान चिन्ह मिलते हैं। इससे उन्हें पता चल जाता है कि यह सब चंद्रवंशियों का किया धरा है। इसके बाद शिवा चंद्रवंशियों पर हमले की घोषणा कर देते हैं। मेलुहा की सारी सेना को लेकर शिवा चंद्रवंशियों के क्षेत्र में पीढ़ी डहने वाले स्वदीप पहुंचते हैं। वहां दोनों सेनाएं एक दूसरे से भिड़ा जाती हैं और भयंकर युद्ध होता है। लेकिन अंत में चंद्रवंशियों के राजा और उसकी बेटी आनंदमयी को अरेस्ट कर लिया जाता है और दक्ष के सामने लाया जाता है। जब चंद्रवंशी राजा शिवा को देखता है तो क्रोधित हो जाता है। आनंदमयी शिवा को बताती है कि उनके यहां भी भविष्यवाणी हुई थी, जिसके अनुसार नीलकंठ आकर उनकी रक्षा करेंगे। यह सुनकर शिवा को हैरानी होती है। इसके बाद चंद्रवंशी राजा और उसकी बेटी को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन इसके पश्चात शिवा धर्म संकट में पोडीडीएच जाते हैं। उन्हें आत्मग्लानी होने लगती है। उन्हें लगता है कि क्या उन्होंने युद्ध करके पाप किया है? क्या उन्हें चंद्रवंशियों की रक्षा करनी चाहिए थी? इस सबसे वे काफी परेशान रहने लगते हैं। अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए एक दिन वे अयोध्या जाने का फैसला करते हैं, जो स्वाडीप में ही पीढ़ी डहती थी और जहां राजा राम का मंदिर था। वे साठी को लेकर वहां पहुंचते हैं। शिवा साठी को बाहर छोड़कर राम के मंदिर में जाते हैं और वहां एक तपस्वी से मिलते हैं। तपस्वी उन्हें कर्म, भाग्य, जीवन के मकसद आदि के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। जब शिवा मंदिर से बाहर आते हैं तो उन्हें एक चीख सुनाई देती है। वे देखते हैं कि एक नागा सैनिक ने साथी को पकड़ लिया था और वह उसे मारने ही वाला था। दोस्तों, आपको इस नॉवल की समरी, द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा समरी, कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।